शिमला जिला के रामपुर उपमंडल के तहत नोगली में वर्षा ऋतु की आगमन की खुशी में मनाया जाने वाला 3 दिवसीय जिला स्तरीय उत्सव देव विदाई के साथ संपन्न हुआ। क्षेत्र के विभिन्न स्थानों से आए 5 देवी देवताओं ने मेले की शोभा बढ़ाई। इस मेले में देव वाद्य यंत्रों की धुनों में देवी देवताओं के साथ 3 दिनों तक नाटियों का दौर जारी रहा। मेले के समापन मौके पर देव वाद्य यंत्रों के धुनों पर आयोजित देव मिलन आकर्षण का केंद्र रहा। शिमला जिला के रामपुर उपमंडल के तहत नोगली में बरसात आगमन की खुशी में मनाया जाने वाला उत्सव संपन्न हो गया। बड़ावली पंचायत क्षेत्र के नोगली में मनाए जाने वाले इस मेले में देव वाद्य यंत्रों की धुनों में देवी देवताओं के साथ दिन भर 3 दिनों तक नाटियों का दौर जारी रहा। मेले में कुल्लू और रामपुर बुशहर की महिलाओं ने अपने पारंपरिक परिधानों में सजकर नाटियों का लुत्फ उठाया। मेले में मेजबान देवता लक्ष्मी नारायण के अलावा देवता चंबू, बाड़ी माता आदि पधारे। इस मेले को शाड़ी मेला के नाम से जाना जाता है। मेले का समापन देवताओं की विदाई के साथ होता है। जब देवी देवता अपने अपने गांव की ओर प्रस्थान करते हैं तो देव वाद्य यंत्रों की धुनों में देव मिलन आकर्षण का केंद्र रहता है। मेला आयोजक कमेटी के प्रधान कृष्ण गोपाल भारद्वाज ने बताया कि वैसे तो 9 देवताओं को आमंत्रित किया गया था, लेकिन 5 देवता ही मेले में पहुंचे। उन्होंने बताया कि इस मेले को वर्षा ऋतु के आगाज में मनाया जाता है, इसलिए इसे शाड़ी मेला भी कहा जाता है। ये जो मेला यहाँ पर मनाया जाता है नुगली में, ये बरसात आने की खुशी में मनाया जाता है और इसमें आसपास क्षेत्र के देवी देवता शोभा बढ़ाने के लिए आते हैं। गत वर्ष की भांति इस वर्ष भी आए और लोग यहाँ पर खूब देवताओं का जो आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। दूर दूर से देवलू आते हैं, दर्शक आते हैं, सब यहाँ पर एक साथ इतने देवताओं का आशीर्वाद लेकर लोग घर जाते हैं। सिटी चैनल के लिए रामपुर से विशेष नेगी की रिपोर्ट।